IVM हंस वाणी हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है रजनी मोरवाल की कहानी ग्रे शेड्स, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। भाग दो। अचानक मैंने अपने आप को अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बेहद ठंडे पड़े उस बेड नंबर 23 पर पाया। आंखें खुली तो बारी बारी करके सभी दोस्त मिलने आते रहे थे। उनके सांत्वना भरे शब्द फूलों से मेरा दामन भर गया था, यहां तक कि मैं जवाब दे देकर उकता सा गया था। मैं कहना चाहता था, मैं बीमार हूं भाई लोगों, मुझे आराम करने दो, किंतु दुनियादारी का तकाजा कि मुझे अपने होने का प्रमाण लगातार प्रस्तुत करते रहना था। ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं हम। मैं मुस्कराया तो गफूरन बी को लगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। 3 दिनों से एक कोने में खड़ी गफूरन बी की आंखें निःशब्द भी बहुत कुछ कह रही थी। उनकी मौन उपस्थिति मुझे संबल प्रदान कर रही थी। अपने झोले में से गफूरन बी ने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया था तो मैं हंस दिया था। लो फिर एक लिहाफ। उसमें से A4 साइज का एक गुलाबी कागज निकलकर मेरे सीने पर गिर पड़ा था। उस कागज में से एक जानी पहचानी खुशबू महकी थी। प्रतिमा, मैंने हड़बड़ी में उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश की थी। शब्द धुंधले से दिख रहे थे। हे भगवान, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओह, जल्दबाजी में मैं चश्मा पहनना भूल गया था। उसने लिखा था, सुन, प्रतिमा अक्सर यूं ही अपनी बात शुरू करती थी, ये पत्र नहीं मेरे मन की बात है। सुना है तुम फिर से लिखने लगे? ये बात कही मेरी मन कही है, जो वक्त रहते मैं तुमसे ना कह सकी तो पछताऊंगी, और शायद तुम भी। कुछ यादें हैं जो तुमसे छुपा कर अपने साथ बांध लाई थी, इसमें कहीं कोई गलती हो तो तुम सुधार सकते हो। तुम तो जानते हो कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक कभी नहीं रहा, ये तो बस यूं ही। और मैंने उस कागज को समेट कर तकिए के नीचे रख लिया था। मैं बीते लम्हों में लौट कर नहीं जाना चाहता था उस वक्त, किंतु मन था कि देह से परे होकर बारंबार पीछे लौटे जा रहा था। जब तकिए के नीचे से उंगलियों ने आखिरकार उस मजमून को निकाल कर आंखों के आगे रख ही लिया। सुनना जरा, गर्म हवाएं जब साए साए बहती है, मैं बहुत दूर बियाबां में निकल जाती हूं। उधर पीछे पहाड़ के साथ लगे जंगल में तेरी यादों के बहाने से गुजर जाती हूं। नदी के पास मुहाने पे बिखर जाती हूं। कई मौसम मैंने परखे इसी वहशत में, किसी रोज कहीं बाज उगई वक्त वो रूठा रूठा, तेरी हल्की सी हंसी सा वही झूठा झूठा। उम्मीद ना जगा यार, चल हट। शुष्क आंखों को नमी दिल को खिलौना करके नहीं कहीं भी ये राहें जाकर थमने की, मंजिले कब किसे आसानी से है यूं भी मिलने की। मोड़ है आगे, चल जुदा हूं या मैं ही जाऊं, तू रहे मैं छोड़ूं या वापस आऊं। दिलो दिमाग पे ना ले लो, तूने था कहा गढ़ मत परिभाषा, कोई ये भी था कहा पागल बदमाश, बेवजह क्यों था कहा तूने, मेरा दिमाग है खाली, बता क्या मैं करूं। लड़ाकू मत बन, रहना प्यार से तूने था कहा, फैसला रख यही पक्का कि दोनों रहें ना जाएं, जागे साथ ख्यालों में फिर से सो गए। उठा फोन मेरी याद में यार, जरा नंबर तो लगा। मैं भी तनहाई को कोने से उठा लाती हूँ, रात आई थी जो जमाई वो भी लाती हूँ, तय करके जो रखी चाह वो भी ले आऊं,
आंख पोंछ कर सुखाती थी वो भी जमा कर लाऊं। आज इसी बात और बेबात की कसम, सुन, आ या जा, सदा के लिए खत्म कर किस्सा, न दे बा मुझे मत बना अपना हिस्सा। हालांकि नींद तो तसव्वुरी से चली आती है, मगर जब जब भी तू बांह हटाता है ना सुन, मुझे करवट में सुलाकर चला जाता है ना सुन, उसी वक्त रोज सुबह के कोई 4 बजे नींद जो टूटी है तो फिर से नहीं आती है, भोर की पहली किरण तभी चली आती है। अरे यार, बाल तेरे अब भी क्या झवरेल से हैं, कलम के पास कुछ स्याह सफेद से हैं, होंठ क्या गोल करके अब भी तू पढ़ता है ना सुन, जुबा को निचले होंठ पर बार बार क्यों फिराता है। सच कहूं सीन ही मुझको तो बड़ा भाता है, देखना बातों ही बातों में स्याह रात ढल आई, लगा कि एक सदी उम्र की मैं चली आई। देख तू बाय या जाता हूं नहीं बोला कर, अभी जाकर के लौट आता हूं यही जुमला तू पकड़। अजब सी बेचैनी तन मन को मथे जाती है, उम्मीद चारों तरफ खुल के बिखर जाती है, तभी चश्मिश तेरा चेहरा मुझे दिख जाता है, कहीं पे दूर खड़ा हाथ तू हिलाता है, ऐन उसी वक्त खुद पे मुझे एतबार आता है, थमा थमा सा कुछ रगों में कसम साता है, चुना हो सकी सदा के लिए वही तुम्हारी प्रतिमा, दिनांक हर दिन हर महीना और बरस दर बरस। मैंने जोर से हाथ पटके तो रिसेप्शन पर बैठी नर्सें चिल्लाई, ओ, ओ क्या करते हो तुम? मैं तो भूल ही गया था कि मेरा डायलिसिस चल रहा है। मुझे दिलासा देती उस नर्स ने मुझे सांत्वना देते हुए बताया कि मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और मैं हाइपरटेंशन का शिकार हूं। मैं शॉक तो कतई नहीं हूं, नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्ट में पहले ही से था और जानता था कि ये परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा कभी भी बन सकती है, लेकिन पता ना था कि पिछली अर्धरात्रि में पूरी तरह इस बीमारी के चपेट में आ चुका था। प्रतिमा के पत्र को तकिए के नीचे सरकाकर मैं कुछ एक मिनट कसमसाया, फिर धीरे धीरे गहरी नींद में खोता चला गया। इतना सुकून बरसों बाद मेरी पलकों पर उतरा था। उसकी तड़पन का दुख मुझ में सुकून भर गया था कि प्रतिमा ने मुझे बारहा मिस किया था। चाहे मेरे जीवन में मैंने प्रतिमा या किसी और स्त्री की खलिश को उतनी शिद्दत से महसूस न किया था, किंतु एक मर्दाना ईगो मेरे पुरुषत्व को संतुष्ट कर गया था। क्या मैं सेडिस्ट हो गया था? मेरा अहम तृप्त हुआ तो कई बरसों की अकड़ी पड़ी पीठ शिथिल होकर पलंग से जा लगी थी। कई कई दिन रात तक मैं यूं ही उस नर्म गुदगुदे बिस्तर पर करवट बदल बदल कर चैन की नींद सोया था। अस्पताल से घर तो आया, किंतु एक हिस्सा अपना वहीं छोड़ आया था, जिसे लेने हर हफ्ते मैं डायलिसिस के बहाने वहां आता जाता था कि उस रोज वो मिली थी, हंसी थी जब मैंने उसके अनकहे वाक्य को इकट्ठा करने का खेल खेला था। आप मुंह को कवर करके आया कीजिए, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। डॉक्टर की बात छूते हुए एक मर्तबा उस लेटी स्कार्फ में से कुछ शब्द मुखर हुए थे। मैंने ऊपर देखा तो स्कार्फ में से झांकती दो आंखों पर चमकीले रंग का आई शेडो दमका था। अरे आप तो वो आप ही थी जिन्होंने मुझे उस रोज जिंदगी दी। हाँ, जिंदगी देना लेना तो परमपिता परमेश्वर के हाथों में, मैंने तो बस स्ट्रेचर मंगाकर आपको इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया था। उसने हड़बड़ाकर अपने आसपास देखा था, जैसे किसी से कुछ छुपाना चाहती थी। आपको? जी वही जो अब आपको। उसने मेरे वाक्य को अरवीज से पकड़कर अपना उत्तर पूरा कर लिया था।
ये उसको मंजूर होगा जी? ऐसा ही रहा होगा। उस रोज आपने कहा था कि हम ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं जी। हम हैं भी, तो फिर अपने प्यारों का यूं इम्तिहान क्यों भला? क्योंकि हम औरों से ज्यादा स्ट्रांग हैं, ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। आपके पास उसका कोई सीधा कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? मैं मजाक पर उतर आया था जी। आपको दे दूं? इस बार उसने स्कार्फ को हटाकर जवाब दिया था। मैं उसकी पलकों पर छलक आए दर्द को अब सीधा देख सकता था, बल्कि इतना करीब से कि चाहता तो उसकी बरौनियों से नमी उठाकर पहुंच भी सकता था। यदि इसकी इजाजत होती तब भी मैं ऐसा कदापि नहीं करता, क्योंकि मैं ये कतई नहीं चाहता था कि उसे किसी सहानुभूति का एहसास हो और वो कमजोर महसूस करे। हर हफ्ते हफ्ते यहां आना अब खलता नहीं है ना जी? जरूरतें कभी बोझ नहीं होती, आदत सी हो गई है अब। करती उसकी हल्की सी हंसी ने मुझे संभल दिया था, यानी कि हम अब भी हंस सकते हैं। क्यों नहीं, ये आदतें हमारी विश नहीं थी। मैं कुछ कुछ भावुक होने लगा था। अरे अरे आप सेंटी हो रहे हैं। यू आर अ मैन, इट डजंट सूट यू। क्यों, क्या बीमारी ने लिंगानुसार कोई भेदभाव किया है? तो ये पक्षपात हम क्यों करें कि पुरुष सेंटी नहीं हो सकते? मैं क्यों रो नहीं सकता बोला? मैं उसकी भाषा भूल गया था। सो तो है, रो लेना चाहिए कभी कभी कि वापस अपनी टूटन समेटने की हिम्मत जुटा पाए। टूटना सिर्फ खत्म होने की निशानी भी तो नहीं। दरअसल अक्सर टूटना अपने आप से, अपने अस्तित्व से फिर से जुड़ने के लिए होता है, मगर लोग इसे समझ ही नहीं पाते और बिखर जाते हैं, जबकि इस बिखराव को समेट कर वे फिर एक स्ट्रांग इंसान बनकर उभर सकते। वो अपने आप को दिलासा देती हुई बुदबुदा रही थी और मैं उसकी बातों की गहराई में खोता चला गया था। आपने भी वहां पर फिस्टूला लगवाया? यही उपयुक्त भी लगा था मुझे जी। मैं इससे ज्यादा उसकी सेल्फ एक्लेम्ड कॉन्वर्सेशन पर कोई अभिव्यक्ति नहीं दे पाया था। उस रोज हम दोनों आसपास के पलंगों पर अपने अपने डायलिसिस के लिए लिटा दिए गए थे। वो जब जब भी मुझे देखती मैं मुस्कुरा देता था और अमूमन यही प्रत्युत्तर उसका भी रहा था। हम समान दुखों के एक रिश्ते में बंधने लगे थे, एक ऐसा रिश्ता जिसका उल्लेख ना किसी धार्मिक ग्रंथ में मिलता है ना कानून की किताबों में, जिसे बस सम दुखभागी होकर ही महसूसा जा सकता है। वैसे भी ये रिश्ते रक्त संबंध और कानूनी रिश्तों से बढ़कर होते हैं। क्या आप जानती हैं हमें एक रिश्ता है जी? वो क्या? हम हैं सम दुखभागी। एक दर्द भरी मुस्कुराहट उसके सफेद पड़ते होठों पर फैल गई थी। ऐसा भान हो रहा था जैसे अब यही मुस्कुराहट उसकी अपनी बेहद सगी हो चुकी थी, जिसे वो जब मर्जी चाहे अपने होठों पर ओढ़ बिछा लिया करती थी। वो जो आपका परमेश्वर है ना, उसके बनाए रिश्तों से अलहदा भी कुछ रिश्ते होते हैं, जो रक्त संबंधों और कानूनी रिश्तों से बढ़कर होते हैं, जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं, जैसे दोस्ती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हम बन चुके हैं। यही वो रिश्ता है जो हमारे जीवन में बाय फोर्स या बाय बॉडी नहीं आता, ये बाय चॉइस होता है। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास छलका था, जो यकीनन उसकी पहली बातचीत की घबराहट से कोसों दूर था। वो अब निहायत परिपक्व लग रही थी। यार तुम बदले से नजर आते हो। एक शाम पंडित अपनी ज्योतिष मुझ पर जांचने लगा था, ऐसा तो कुछ नहीं है? हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, इसके गाल भरने लगे हैं। मुन्ना मजाकिया था हमेशा से,
इसीलिए हर फिक्र को सिगरेट के छल्लों में उड़ा देता था। गजब का चेन स्मोक करता हूँ, क्या कोई इश्क वेश्क तो नहीं, फिरोज मुझे परखते हुए बोला था। उसकी जिंदगी में कोई औरत ना थी, पर सबसे ज्यादा रोमांस के किस्से वही हमें सुनाता था। ये बात है दोस्तों, तो सुनो बकौल शेखू, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। ओ वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे शुक्रिया 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 मियां, हमें भी ये मुश्क कुछ नया सा जान पड़ता है, जो यार अपना छुपा रहा चचा लोगों से। शेखू शरारती होने लगा था। ए भाई, मुझे तो बताने का था नहीं कि वो कौन से शू नाम से बहनो। जगन्या अपने गुज्जू इफेक्ट को कभी पचा नहीं पाता। बहरहाल मैं सिर्फ मुस्कुराया जा रहा था, ये जानते हुए कि मेरी यार बाज टुकड़ी इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस शनिवार गफूरन बी ने हमारी मेहमान नवाजी की थी। उनके हाथों से बना पाए का गरम गरम सूप, कीमा और मटन के शोरबे के साथ तंदूरी रोटी का जायका, माशाल्लाह माशाल्लाह। किंतु खाने पीने को मुझसे परहेज हो चला था, सो मन मारकर मैं सिर्फ किस्सा गोई कर रहा था। मेरी आवाज गूंजती हुई डायरी के पीले पृष्ठों से नए सफेद वर्कों पर चली आई थी, जिसका इंतजार यारों को कब से था। ए, वो तो सब ठीक है, पर नाम सूचे, जिगन्या अधीर हो चला था। ओ, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। उस रोज पहली मर्तबा गफूरन बी ने मेरे घर के तमाम कमरों को बत्तियों से रोशन किया था। उन्हें मेरे जवाब से हताशा हुई थी, शायद इसीलिए अनजाने में उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। माँ भी मुझसे निराश होकर अक्सर यही रिएक्शन दिया करती थी। गफूरन भी मुझे घूरती हुई झूठे बर्तनों को ठिकाने लगाने में जुट गई थी। बस दफा हम अपने आप को भी निराश करते हैं। मैंने नाम भी नहीं पूछा, कमाल हूं मैं भी यार, किंतु उसने भी तो नहीं पूछा था। क्या दुखों का कोई नाम नहीं होता, या दो बीमार व्यक्तियों के बीच संबोधन की आवश्यकता ही नहीं रहती, हर पहचान सिर्फ पेशेंट नंबर तक सिमट आती है। मैं अगली डायलिसिस डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जैसे वो कोई टीनेज मोहब्बत की पहली पहली रोमांटिक डेट हो। यार बाज टुकड़ी इस मर्तबा मेरे साथ आने को उतारू थी, किंतु मेरी एक शर्त थी कि वे मुझसे अजनबी रहेंगे। क्या आज मैं आपको पास के ही रेस्टोरेंट में एक अदद कॉफी के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? मैंने डरते डरते अपने मन की बात कह ही डाली थी। जी जी जरूर, मगर मैं कॉफी लवाजा सुपर क्रेमा एस्प्रेसो ब्रांड की ही पीती हूँ। अच्छा, वो मेरा इम्तिहान लेने के उद्देश्य से मुस्कुराई। ओह, ये तो विश्व का नंबर वन ब्रांड है, आपकी पसंद की दाद देता हूँ, लेकिन यहाँ तो आपकी पसंद मिलना मुश्किल है। वो कोई बात नहीं, तो चलिए फिर, वहाँ एक ढाबा है छदम्बी लाल का ढाबा, हम वहीं चाय पी लेते। ये जानते हुए कि हम दोनों को लिक्विड डाइट की अनुमति नहीं थी, उस रोज पीने का एक नया तरीका ईजाद किया था हमने। हम दोनों ढाबे के बाहर बनी सीमेंट की टूटी फूटी बेंच पर बैठ गए थे। मैंने वहां बैठे मजदूरों को चाय पिलाने का ऑर्डर किया था। आओ आओ, महसूसते हैं कि दो अनजान व्यक्ति चाय को कितने बढ़िया तरीके से एक साथ सुड़क सकते। मैं खेल की बिसात जमाने लगा था। ठीक है, मैं उस औरत को अपनी डुप्लीकेट मानकर उसके साथ चाय की घूंट महसूस करूंगी, और आप, मैं उस सज्जन के साथ। वो तुरंत मेरा मकसद समझ गई थी। खेल खेलने से पहले रेफरी को नियम ना समझाना पड़े तो वो खेल का मजा दुगना हो जाता है, और जीत की संभावना रहे ना रहे, किंतु खेल में संतुष्टि जरूर निश्चित हो जाती। अब हम दोनों उन मजदूरों में से दो अलग अलग मजदूरों के साथ साथ प्याले से चाय की चुस्कियां पीने का अभिनय करने लगे थे।
मैंने इतनी स्वादिष्ट चाय जिंदगी में पहली मर्तबा पी है। मैंने भी। हम दोनों अब अपने अपने हिस्से की चुप्पियों में समा गए थे। कितना सुकून है कि किसी और के माध्यम से हम तृप्त हुए जा रहे हैं। सामने से यार बाज टुकड़ी दूर से आंखें तरेरते हुए बेचैनी लौट रही थी। वे साथ रहकर भी दूर थे और उनका मकसद भी पूरा नहीं हो सका था। मैं उनके समक्ष आंखों ही आंखों में गिड़गिड़ाया था, साथ ही एक मौका तलाशने की कोशिश का आश्वासन भी उन तक फेंक दिया था। तो चलें, चाय पर इनवाइट करने का शुक्रिया। उठकर खड़ी हो चुकी थी मगर उसका स्कार्फ ज्यों का त्यों उसके मुंह के ऊपर था। नहीं, मैं टिट फॉर टैट में विश्वास करता हूं। यानी? यानी कि मैंने आपको चाय पिलाई है तो आप चाय कॉफी या ना हो तो खाना भी खिला सकती हैं। अच्छा ठीक, तो यही तय रहा। वैसे मैं भी किसी का उधार ज्यादा दिनों तक पचा नहीं पाती। बताइएगा कब और कहाँ चाहेंगे। उस खुशनुमा शाम के लिए हम दोनों ही शुक्रगुजार थे, किंतु कोई भी किसी दूसरे को यह जताना नहीं चाहता था। अगली डेट को, अगली डायलिसिस की डेट को। किंतु मेरी एक शर्त होगी। जी? वो कुछ हकबकाई थी। दरअसल मैं चाहता हूं कि उस रोज आप इस स्कार्फ से मुक्त होकर आए। लेकिन मैं तो चाहती हूं कि आप भी मास्क पहना करें। किसी भी इंफेक्शन का खतरा हमें दूसरे लोगों से ज्यादा होता है। किंतु हम दोनों के एक दूसरे से क्या नया संक्रमण हो सकता है भला? वहां और लोग भी तो होते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, किंतु वे भी इस बात से अनजान होते हैं कि वे अपने अंदर ना जाने कितने कितने इन्फेक्शन लेकर घूमते हैं। तो आप घर आइए ना, गफूरन भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक है और मैं खा नहीं पाता। हाँ तो ये ठीक रहेगा, हम डिनर पर आपके घर मिलते हैं फिर, और आपकी शान में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक गोष्ठी भी आयोजित कर लेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत लिखते भी हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया रहेगा। मेरे पिता को भी बहुत शौक था लिखने पढ़ने का, उसने चहकते हुए कहा था। मैंने पहली दफा उसकी आत्मा में रची बसी उस लड़की को देखा था जो जीवन से बहुत प्रेम करना चाहती थी, किंतु हालातों से जूझते हुए उम्र से पहले ही परिपक्व हो गई थी। तो सिर्फ कल के लिए ही सही, आपको विदाउट स्कार्फ आना होगा। एक बार के लिए आप मेरा कहा मान लें, उसके बाद ताउम्र मैं हमेशा आपका कहा माना करूंगा। प्रॉमिस। ताउम्र? आप कैसे जानते हैं कि हमारा साथ उम्र भर का है? नहीं, मेरा मतलब जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। आप फिल्मी भी हैं। वो खिलखिला उठी थी। जब वो हंस रही थी तब उसके चेहरे में एक रुआंसा सा कंपन होने लगा था, जिससे वाइब्रेट होकर उसका स्लेटी स्कार्फ भी कांपने लगा था। उसके मुंह से निकल रही भाप से उसका स्कार्फ गीला हो गया था। उसे यूं हंसता हुआ देखकर एक रूहानी सा सुकून पहुंचा था मुझे। एक अजीब जद्दोजहद के बीच उस शाम गोष्ठी में मैंने प्रतिमा का वही खत पढ़ा था जो वो अस्पताल में गफूरन बी को थमा गई थी, किंतु उसका नाम लेने की हिम्मत मैं अब भी नहीं जुटा पाया था। यारों को उसका खत वाकई एक नज्म सा लगा था जो बढ़ते बढ़ते अंत तक खतनुमा हो चला था, किंतु उसने अपनी घनी लंबी पलकों को धीमे से ऊपर उठाते हुए कहा था, इफ यू डोंट माइंड, इस खत को मैं नज्म के अंदाज में ढाल दूं। क्या क्या आप लिखना जानती हैं? नहीं, मैं राइटर तो नहीं, बस यूं ही पिताजी की लिखी किताबें पढ़ पढ़ कर कुछ कोशिश कर लेती हूँ। खासकर इस सिचुएशन में ये सब कुछ अच्छा लगने लगा है। उसने पत्र बिना इजाजत मेरे हाथों से लेकर अपने पर्स में समा लिया था। वो हमारे समूह की अघोषित किंतु स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर ली गई थी। उस शाम जाना था कि प्रसव के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थीं और
उसका पति उसे इस विपत्ति के अथाह समुद्र के बीचों बीच गहरे भंवर में छोड़कर चल दिया था। ना बच्चा बचा, ना कोई उम्मीद। बस तभी से वो मायके में आकर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने लगी थी। आपने वायदा किया था कि आप लीजिए। उसने एक झटके से अपना स्कार्फ खींचकर फर्श पर फेंक दिया था। वो नहायत खूबसूरत चेहरे मोरे वाली मंझूले कद काठी की महिला थी, किंतु उसके चेहरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसकी आंखें थी, जिन्हें वो अमूमन चांदी जैसे चमकते ग्लिटरिंग आई शेडो से सजाए रखती थी। उससे पूछा था एक मर्तबा मैंने इसका राज। हम शायद उसी हिस्से को संवारते हैं जो दिखाई देते हैं। अंदरूनी हिस्से यूं भी बेहद निजी होते हैं और उनके दुख भी, जिन्हें सिर्फ हम ही महसूस करते हैं। इसलिए बाहरी तौर पर हम सब कुछ सजा सवरा रखते हैं। जो सुंदर दिखता है वही सत्य नहीं होता, मगर ऐसी धारणा कायम कर दी गई है और इसके परे जाकर हम कुछ देखना समझना ही नहीं चाहते। किंतु सलेटी रंग का स्कार्फ क्यों? बिकॉज ग्रे इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नो। सो क्यों भला? जीवन में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। दरअसल बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो इन दोनों रंगों के बीच का होता है। वही जीवन का ग्रे होता है, जिसे अक्सर हम छुपा जाना चाहते हैं। आप, मैं, गफूरन भी, मुन्ना, पंडित, शेखू जी, गन्या, आप सभी सुन रहे हैं ना? मैंने अपने लिए ये ग्रे रंग का स्कार्फ चुना है। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे से स्कार्फ खींच कर फर्श पर लापटका। वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर एक ही धुरी पर गोल गोल घूमने लगी थी, कुछ कुछ सूफी नृत्य जैसे। गफूरन भी के साथ साथ पूरी यारबाज टुकड़ी तालियां पीट कर जोर जोर से हंस पड़ी थी। मैं डायरी में से नई नज्म चमकीली पलकें पढ़ने लगा था, जो मैंने खास उसके लिए ही लिखी। अचानक उसे खांसी का दौरा पड़ा था, इतना कि खांसते खांसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी चमकीली पलकों से बहती अविरल अश्रुधारा अत्यधिक बहाव के कारण अपने छोर से निर्बंध नहीं हुई थी, अभी तो उनमें खारा नमकीन समंदर था जो एक तूफान की तरह प्रतीत होने लगा था। उसकी चमकीली पलकों पर ग्लिटर करता आई शेडो पिघलकर उसके गले तक बह आया था। शेखू ने उसका सलेटी स्कार्फ उठाकर उसकी सुतवा नाक के ऊपर तक हौले से सरका दिया था। गफूरन ने उसकी पीठ सहलाने लगी थी। मैं भयाक्रांत था और उसे एक बड़े से ब्लैक होल में विलीन होते देख रहा था। मैं उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए दौड़े जा रहा था, किंतु उसकी हथेली तक पहुंचने से पूर्व ही वो ढह चुकी थी। एम्बुलेंस की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा था। स्ट्रेचर पर लेटे लेटे वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मैंने उसका हाथ कसकर थामा था। बेहद ठंडी और लगभग निर्जीव हो उठी उसकी कलाई मेरी हथेलियों में लटक गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा कैसे हो सकता है भला? क्यों नहीं हो सकता? मौत से पूछे चलकर पहले कि कितनी मोहलत है हमें जीने के। मुझे लगा वो स्कार्फ के भीतर हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी का दर्द जरूर उसकी आंखों की एवज बह निकला था। जब हम चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, साथ में नज़में लिख सुन सकते हैं, दुख बांट सकते हैं, तो सुख की ओर एक कदम तो बढ़ा ही सकते, हम शादी क्यों नहीं कर सकते? चाहे आपने मजदूरों को पिलवाई और खाना हमने चखा भर था, नज़में मैंने प्रतिमा जी के लिखे सुधारी थी, हाँ दुख जरूर हमने बांटे हैं। तो चलो बन जाए हम पीड़ा के सहभागी। शादी के लिए यदि सात भंवर धर्म की आवश्यकता है तो वही सही, अथवा तो हम यूं भी ये पवित्र रिश्ता निभा सकते हैं। उसकी मुस्कुराहट में उसकी हामी थी। उस रोज डॉक्टर ने उसे स्कार्फ उतारने के लिए एक मीठी सी छिड़की दी थी, साथ ही उसने डॉक्टर को कहकर
मेरे लिए भी मास्क की व्यवस्था करती थी। मेरे तमाम नानुकर के बावजूद मेरी यारबाज टुकड़ी ने हमारे लिए एक छोटी पार्टी की व्यवस्था कर ही दी थी। प्रतिमा ने मेरे लिए लौरा को सजाया था और गफूरन भी ने मेरी नजर उतारी थी। माँ उस रोज बहुत याद आई थी मुझे। Partho, do you take bride Laura as your wedded wife to live together in marriage? Do you promise to love her, comfort her, honor her and keep her for better and worse? I do. मैंने अपनी बेचैनी को काबू में रखकर बोला था। Laura, do you take Partho to be your lawfully wedded husband? Yes, I do, father. You may now kiss your bride. फादर फर्नांडेस, चंद रिश्तेदारों और मेरी दोस्त मंडली की मौजूदगी में हम पति पत्नी बन चुके थे। वेडिंग गाउन में लौरा बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे फर्स्ट किस करते वक्त भी उसका जालीदार हैट मुझे खटका था, किंतु किसी इनविजिबल हिदायत की तरह उसे मैंने अपने जहन में काबिज कर लिया था। अब वो अपनी चमकीली पलके टिमटिमाती हुई अक्सर कहती है, मेरे लिए तुम्हारी बाहों का घेरा ही काफी है। मैं इनमें बहुत कोजी फील करती हूँ। एक सराब सा मेरे इर्द गिर्द लिपट जाता है। मैं उसमें और वो मुझमें बेतरह लिपटते ही चले जाते हैं। ऐसे में कभी कभी ठंड और बीमारी से कांपते होठों को महसूस करने के लिए वो अपना स्कार्फ धीमे से हटा दिया करती है। स्लेटी रंग अपने स्कार्फ को कोनी मारकर खूब हंसता है। लौरा अपनी आंखों पर फैलाए चमकीले आई शेडो को रीडू करती हुई जो बुदबुदाती है, वो मैं स्क्रैम्बल करते हुए आखिरकार बूझ ही लेता हूँ। लाइफ इज मोर देन ब्लैक एंड व्हाइट डियर, एंड दैट्स द ग्रेट शेड्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तुमने कैसे जाना, वो मुस्कुराते हुए पूछती है, लेकिन मैं जवाब दिए बिना उसकी पलकें चूम लेता हूँ। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में रजनी मोरवाल की कहानी ग्रे शेड्स। ये कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, former Mrs. India Madhuri Sharma shares her fitness journey and the experience of working towards winning a beauty pageant with Ashton. On Raw and Organic, founder Jitendra Choksi tells Kunal what it was like building his fitness community fitter. Should the government impose a price limit on film tickets? The Puliyabazi hosts contemplate this in their new series, Ek Sawal Kahi Jawab. On Tere Mere Raaste, Keshav travels to New Mexico and tells us all about it. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs talk about insects and their part in the cycle of nature. Do follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to ivmpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Inflation, fiscal deficit, GDP, MSP, NPA, equity market, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कम वक्त हमारे खर्चों पर।
दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।